मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर कभी कभी बहुत क्रोध आता है और तुम मुझसे बहुत दिनों तक रूठे रहते हो। तो बच्चे, क्रोध तो उन्हीं पर आता है ना, जिन्हें तुम अपना मानते हो, जिन पर तुम अपना अधिकार समझते हो। तो मैं तो तुम्हारा सबसे अपना हूँ, इसलिए तुम्हारा मुझ पर क्रोधित होना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। तुम्हारे इस क्रोधित होने से मैं खुश होता हूँ, क्योंकि इस क्रोध में भी मुझे तुम्हारा प्रेम दिखता है, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारी बाहरी दिखावट पर आंकते हैं और तुम्हें कभी कभी कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे तुम्हें बहुत बुरा लगता है। तो बच्चे, एक बात समझ लो, तुम जैसे हो मैंने ही तुम्हें वैसा बनाया है और मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। इसलिए किसी के भी कुछ भी कहने पर तुम अपना आत्मविश्वास ना खोया करो, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही बहुत पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहा करो और अपने आप को किसी से भी कम मत समझा करो, क्योंकि ईश्वर ने कोई भी चीज बेवजह नहीं बनाई है। हर एक चीज का, हर एक इंसान का अपना एक महत्व है, इसलिए अपने महत्व को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो भी करते हो उस पर तुम्हारा नियंत्रण है, चाहे वह तुम्हारे ऑफिस का काम हो या फिर घर का काम हो या फिर कोई और काम हो, लेकिन जो भी काम तुम करते हो तो उसका फल जो तुम्हें मिलेगा उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वह केवल मेरे नियंत्रण में है। इसलिए फल की इच्छा या कल के बारे में ना सोचकर केवल अपना काम यानी कि कर्म करते रहो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारे हर कर्म का उचित फल मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत रंग अवश्य ही लाएगी, इसलिए सबकी मदद करो और इंसानियत का धर्म निभाओ। कभी भी जातिवाद में ना पड़ो, क्योंकि सबका मालिक एक है, ये तुम जानते हो। इसलिए सिर्फ अपने कर्म पर और अपने उस मालिक पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, और हमेशा रहूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इसलिए जब परिस्थितियाँ बदलने लगे तब भी बस शांतिपूर्वक मर्यादा बनाए रखना और परिस्थितियों को खुद पर हावी मत होने देना। मेरे बच्चे, परिस्थितियों को ढीला छोड़ना जरूरी होता है, इसलिए कभी भी अपने मन का दास मत बनो, बल्कि मन को अपना दास बना लो। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मन को तुम आनंद में रखोगे तो सब कुछ तुम्हें आनंदित लगने लगेगा, क्योंकि हर मुश्किल परिस्थिति से हंसते हंसते निकलना ही तुम्हारी सब्री की परीक्षा है। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराना कभी मत छोड़ना और अपने बाबा पर हमेशा विश्वास रखना। मेरे बच्चे, ये जो तुम्हें रह रहकर ख्याल आता है ना कि मुझे नहीं जीना है, मुझे अपने पास बुला लो बाबा, तो यह विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं चाहता हूँ बच्चे कि तुम आज से 3 दिन तक ये एक काम करो, किसी भी जरूरतमंद को अन्न दान करो या किसी जरूरतमंद की किसी भी प्रकार की मदद करो, क्योंकि जब तुम अपना दुख भूलकर दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें तुम्हारे बाबा का और माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हें अपने जीवन में परम सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा और तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी हर कमी को तुम्हारी साईं माँ पूरा करेगी और तुम्हारे मन के सारे नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे सर पर तुम्हारी साईं माँ का आशीर्वाद बना हुआ है। इसलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।